अमृत महोत्सव में कोसी रेलवे का सौंदर्यकरण होने को स्थान दिया गया है, जिसको लेकर रेलवे विभाग के आला अधिकारी आए दिन निरीक्षण करने आ रहे हैं। कोसी कला रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण 26 करोड़ 50 लाख की लागत से किया जाएगा। इसी को लेकर शुक्रवार को रेलवे के DRM तेजपाल अग्रवाल अपने अधीनस्थों के साथ कोसी कला रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने प्लेटफॉर्म, टिकट विंडो, मैदान एवं प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर पहुंचे दैनिक यात्री एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, यश अग्रवाल, पटवारी, भाजपा नेता धर्मवीर शर्मा ने अपनी मांगों को रखते हुए कोरोना के समय बंद हुई ट्रेनों को यथावत चलाने एवं टिकट घर के पास सुलभ शौचालय बनाने की मांग की। वहीं मीणानगर वासियों ने अपने रास्ते के लिए DRM को ज्ञापन दिया। मीणानगर के प्रधान कृपाल सिंह ने बताया कि 10,000 की जनसंख्या वाला गाँव के लिए कोई भी आम रास्ता नहीं है। अगर गाँववासी रेलवे ट्रैक पार करके आते हैं तो आए दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। DRM के आगमन पर रेलवे के समस्त कर्मचारियों ने DRM का स्वागत किया। वहीं RPF के प्रभारी गिरिराज प्रसाद मीणा अपने सहभागियों के साथ मौजूद रहे, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने DRM तेजपाल अग्रवाल से वार्ता करनी चाही तो DRM मीडिया से वार्ता करने से कतराते हुए नजर आए। कोई भी जानकारी देने से इनकार किया। जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान कृपाल सिंह एवं भाजपा नेता धर्मवीर शर्मा ने बताया, जिससे मीनानगर वाले को आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। और कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई थी? ये जब से मीनानगर बसा हुआ तभी से समस्या बनी हुई थी। और कितनी बार शिकायत कर चुके? 10 बार शिकायत करी, मंत्री जी शिकायत कर लिए, हेमानी शिकायत कर लिए, DRM IS जो भी लोग आए उन सबसे शिकायत करिए। आज DRM IS शिकायत करिए। तो कब तक माने जाए, मतलब क्या आश्वासन दिया? बहुत जल्दी के लिए आश्वासन दे रहे हैं, बहुत जल्दी काम हो जाएगी। देखो सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि यहाँ पे जो लोकल ट्रेनों का संचालन इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से बंद ही, मान लो एक आधी EMU दे रखी है, वो भी मथुरा से आती है, जिस कारण कि जिसमें संख्या इतनी हो जाती है यहाँ के लोगों को बैठने की भी जगह नहीं मिलती है। क्योंकि पहले कई ट्रेनें चलती थी, कोरोना पीरियड में बंद हुई, DRM साहब के संज्ञान में नहीं था, उन्होंने संज्ञान लिया है और पूरा आश्वासन दिया है कि करेंगे। इसके अलावा मीणानगर के बासिंदे इस रेलवे पुल के लिए परेशान थे, उनको ज़्यादा दूर जाना पड़ता था, अधिकारियों का काम थोड़ा भ्रमित करना है, बोले हाईवे पे चढ़ के सीढ़ियाँ हैं वो नहीं है, तो उन्होंने जो हमारा ये पहला पुल बना हुआ है पुराना उसको बना हुआ उसको मीणानगर तक पहुँचा करके और आउट तक करके इस तरीके से उनकी समस्या के समाधान करने का उन्होंने आश्वासन हमको दिया है। इसके अतिरिक्त हमने जो, चूंकि ये कोसी कला एक ऐसा मेन पॉइंट है जहाँ गोवर्धन धार्मिक स्थल से धार्मिक स्थल है, पहले एक रोड पर ही एक सुलभ शौचालय हुआ करता था दीवार के बाहर, उसको तोड़ दिया गया रिकंस्ट्रक्शन के लिए। हम ये चाहते हैं कि पुनः रेलवे में स्टेशन पर, क्योंकि बाहर जो तीर्थयात्री इंतजार करने वाले आते हैं, कस्टमर आ गया, ग्राहक आ गया, ट्रेन में चढ़ने वाला आ गया, वो तो प्लेटफॉर्म पर ले लेगा, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म पर मेरी नज़र में नगण्य है, यहाँ शौचालय बाथरूम नहीं है जी। तो हमने यही अनुरोध उनसे किया है, जो शौचालय था उसको पुनः स्वीकृत कराएँ। तो उन्होंने यही कहा है कि पूरी रिकन्स्ट्रक्शन है, बिल्डिंग दोबारा बनेंगी, कहाँ पर क्या स्पॉट पर आएगा उसके बाद ही सोचा जाएगा, तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा।